बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके YouTube चैनल बेसिक IT में आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अडोब फोटोशॉप का टॉपिक शुरू किया हुआ है। अगर कोई मेरे चैनल पर नया है या किसी से कोई वीडियो मिस हो गई है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर वो वीडियो देख सकता है। अब जो दोस्त नए हैं चैनल पर, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको इमेज की जो एडजस्टमेंट होती है वो करना सिखाऊंगा। अगर हमने कोई फोटो ली हुई है, उस फोटो में अगर कोई कलर हमारे पास डार्क आ रहे होते हैं या इस तरह से लाइट आ रहे होते हैं तो उनको एडजस्ट करना पड़ जाता होता है। बाज दफा हम एडजस्ट करके ही हमारी इमेज दुरुस्त होती है, उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते होते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पहले उसकी ब्राइटनेस ब्राइटनेस होती है कि आप उन्हें जो फोटो होती है उसकी चमक को ज्यादा करना होता है। कंट्रास्ट होता है कि आपने जो कलर होते हैं उनको मजीद डार्क या लाइट कितना करना होता है, दिखाना होता है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपने अपने फोटो को ओपन कर लेना है, कोई सा ही फोटो आप ओपन कर लें। मैं यहाँ पर फोटो को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं दो फोटो ले रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। सबसे पहले एक फोटो पर काम करते हैं। ये देखिए, हमारे पास ये वाली फोटो आ रही है। इस फोटो पर अगर आप यहाँ पर लेयर पर आएंगे, इमेज पर आएंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे, सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट आ रहा है। ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले नंबर पर हमारे पास ब्राइटनेस आ जाएगी, दूसरे नंबर पर हमारे पास कंट्रास्ट आ जाएगा। अब ये देखिए, जब हम ब्राइटनेस को यहाँ से, ये हमारे पास जीरो है, अगर पीछे को करेंगे हमारे पास ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ये देखिए, अगर नेक्स्ट की तरफ करेंगे, ये देखिए थोड़ी सी चमक ज़्यादा हो रही है। जहाँ तक आप रखना चाहते हैं वहाँ तक रखें भैया। ये देखिए, उसके बाद कंट्रास्ट आ रहा है। कंट्रास्ट यहाँ से अगर आप ज़्यादा करेंगे, ये देखिए ये ज़्यादा हो गया है, को मजीद कम कर दें जितना आप रखना चाहते हैं। ये देखिए, इतना कम रखेंगे वीएस आप इमेज को ऑटोमेटिकली सेट करेंगे। ये आपको इसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखा रहा है, किस तरह दिखा रहा है। अब यहाँ पर यूज लेगेसी आ रहा है। अगर आप लेगेसी यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी इस तरह बढ़ेगा। ये देखिए, अब मैं दूसरी पिक्चर पर आपको ये काम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारे पास जो दूसरी पिक्चर आ रही है इसमें कलर डार्क आ रहे हैं। यहाँ पर भी आपने इमेज पर आना है, एडजस्टमेंट और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट करना है। अब ब्राइटनेस को थोड़ा सा हम ये देखिए बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल इस तरह नजर आ रहा है जैसे हमारे पास दिन की रोशनी है। अब कंट्रास्ट को थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, इतना भी ज्यादा नहीं करना कि आप अपनी पिक्चर खराब कर लें भैया। बस इतना करें कि जितनी आपको पिक्चर वाजे नजर आ जाए उतना आपने करना होता है, और ओके कर देना है, आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अब मैं दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ कि दूसरी एडजस्टमेंट आपने कैसे करनी होती है। उसमें आपने इमेज पर आना है, एडजस्टमेंट में आने के बाद यहाँ पर लेवल पर आपने क्लिक कर देना होता है। जो ही लेवल पर क्लिक करेंगे भैया, ये देखिए हमारे पास लेवल आ जाते होते हैं। पहले हमारे पास ये देखिए प्रीसेट आ रहे हैं, प्रीसेट हमारे पास डिफॉल्ट है, यहाँ से कोई से भी आप सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये डार्कर आ रहा है, ये देखिए इमेज को डार्कर करके दिखा देगा। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये लाइटर आ रहा है। अगर आपके यहाँ से इमेज सेट हो रही है तो ठीक है, वरना आप यहाँ से खुद ब खुद भी कर सकते होते हैं। वो कैसे, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास, ये ब्राइटनेस आ रही होती है और ये वाली कंट्रास्ट हमारी आ रही होती है। ये देखिए, यहाँ से अगर हम ब्राइटनेस को ये ज्यादा करते जाएंगे, ये हमारी ब्राइटनेस होती जाएगी।
यहाँ से उतना करें जितना ब्राइटनेस आप चाहते हैं, ये देखिए, और यहाँ से कंट्रास्ट ना रखें जितना आप, पिक्चर खराब ना हो। अब ये वाली दरमियान वाली की चीज़ है, ये दोनों का मिक्सचर होता है कि यहाँ से आप पिक्चर को एडजस्ट इजिली कर सकते होते हैं, कलर को डार्कन करके वो दिखाते होते हैं। नीचे वाले जो हमारे पास आ रहा है वो आउटपुट लेवल है, आउटपुट लेवल आपका कितना, ये देखिए कलर का आउटपुट लेवल वो दिखाएगा, यानी कलर 0 से लेकर यहाँ पर 255 आ रहे हैं। अगर तो आप तमाम के तमाम कलर यहाँ पर ठीक रखना चाहते हैं तो वो आपने 255 रहने देना है, अगर कम रखना चाहते हैं तो यहाँ से कम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आपकी इमेज एक तब्दील हो रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे यानी कि शाम का टाइम होता है। यहाँ से कैंसिल करते हैं दूसरी पिक्चर पर इसको, यहाँ से इमेज, ये देखिए दूसरी पिक्चर आपने ले लेनी है, यहाँ से इसकी ब्राइटनेस सेट करनी है, लेवल पर आना है यहाँ पर, यहाँ से इसके लेवल को आप इजीली, ये देखिए पहले इसके ब्राइटनेस थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, ये देखिए इतनी ज़्यादा करना चाहते हैं ब्राइटनेस, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से कंट्रास्ट को आपने सेट करना है, जो आपने ब्राइटनेस सेट की है उसको ये डार्क करके दिखाएगा, और यहाँ से आप आउटपुट लेवल इसका ले सकते हैं, ये देखिए कलर आपने कितने रखने हैं, ये देखिए आपकी इमेज सेट हो जाएगी। दूसरा तरीका कार भी है ये, अगर आपको यहाँ से नहीं सेट करना आता तो यहाँ से ऑटो भी कर सकते होते हैं, यहाँ से हमारे पास चैनल आ रहे होते हैं आरजीबी, अगर आरजीबी पर करेंगे तो तमाम के तमाम आ जाएंगे, अगर रेड पर करेंगे ये देखिए ओनली रेड हमारे पास होगा, इस तरह ग्रीन पर करेंगे ओनली ग्रीन आप सेट कर सकते होते हैं, और अगर आरजीबी करेंगे तो तमाम के तमाम हम सेट कर सकते होते हैं। तीसरा तरीका ये होता है कि हम ये हमारे पास आई ड्रॉपर आ रहे होते हैं, इनको सेलेक्ट करते होते हैं, जो डार्कन एरिया है, ये देखिए मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से आपने लेवल पर आना है, पहले आई ड्रॉपर से आपने डार्कन एरिया सेलेक्ट करना है, ये देखिए जो ब्लैक पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये वाले हमारे पास ब्लैक पॉइंट है, इस तरीके से आपने जो हमारे पास व्हाइट पॉइंट है वो हमारे पास ये वाला व्हाइट पॉइंट है, इस तरह आप इजीली इनको सेट कर सकते होते हैं अपने मुताबिक, उनके मुताबिक आप इजीली इनको बढ़ा सकते हैं, ये देखिए इनको ज़्यादा करना चाहते हैं, इनको कम करना चाहते हैं, ये देखिए आपके वही कम या ज़्यादा होंगे जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं, ये देखिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ। ये अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसके कलर को आप डार्क करना चाहते हैं, फर्ज कीजिए ये मेरे पास ये वाला एक ट्री है, इसको मैं कम या ज़्यादा करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपने, ये देखिए ये यहाँ से आपने लेसो टूल में आना है, अब लेसो टूल के जरिए आप वो एरिया सेलेक्ट कर लें जो आप डार्क करना चाहते हैं, फर्ज कीजिए ये मैं इतना एरिया जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पर ये दरख्त है, ये मेरा एरिया सेलेक्ट हो गया, अब इस एरिया को ही आप डार्क कर सकते होते हैं, ये देखिए इमेज के जरिए आपने एडजस्ट कर देना होता है इसकी ब्राइटनेस, अब आप ज़्यादा करेंगे वो देखिए सिर्फ वही है आपका एरिया जो है, बाकी किस पर फर्क नहीं पड़ रहा होता, यानी अगर आप किस स्पेसिफिक एरिया को करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते होते हैं, और अगर आपने तमाम के तमाम एरिया को सेट करना होता है तो वो भी आप इस तरीके से कर सकते होते हैं। छोटा सा टॉपिक सा, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो नए आने वाले हैं दोस्त सीखना चाहते हैं उनको शेयर कर दें, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।